जाने से, लेकिन मैं बस स्कूल तक ही गई थी। हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। आप मुझे लेने आई हैं? मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। लंबी बात नहीं करनी। फलाही तंजीम वाली लड़की को तो भगा दिया तुमने, लेकिन मैं इसे लेकर जाऊंगी। इसका क्या मतलब है? ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है, कुछ हुआ तो मैं जवाब दे होंगी। मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू के खेल में खतरा क्यों मोल लूं? मेरा क्या फायदा? सीधी बात करें आप, स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों के बड़े अखराजात होते हैं और सर्दियां भी आ रही हैं, लकड़ियां जलानी होती हैं, जिंदगी बहुत महंगी है। ये छोटी चुड़ैल मुझे तंग करने के साथ साथ मेरा हाथ बटाती थी, चली गई छोड़ के, अब मैं अकेली हो गई। क्या मतलब? अब भी नहीं समझा हूं मैं। इतना मुश्किल नहीं इसे समझना मैथिन, पैसे चाहिए इसको। नहीं, मैं लालची नहीं हूं, बस भला चाहती हूं मैं सबका। 5,000 लेरा काफी होंगे अभी के लिए। सुनो बिस्मा साहिबा, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं, बेहतर होगा कि तुम यहां से खुद निकल जाओ। हमें मजीद परेशान मत करो। मैं यहां से इस शैतान बच्ची को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, सुन लिया तुम लोगों ने? इस बच्ची के जिस्म पे नील पड़े हुए हैं, मैंने इनकी तस्वीर बना ली है। इसने मुझे वो सब बताया है जो तुमने इसके साथ किया। हमने सबकी वीडियो बना ली है। हम पुलिस के पास इसलिए नहीं गए कि हमें लगा तुम खुद इससे दूर रहोगी, लेकिन अब हमारे पास तमाम सबूत समेत पुलिस स्टेशन जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, समझी तुम? लेकिन निकल जाओ यहां से। बात ऐसे खत्म नहीं होगी, कानून भी कोई चीज होती है। हम हैं इसके घर वाले, हम फिर मिलेंगे, ये याद रखना। और तुम इस जगह की आदत डालने का हरगिज नहीं सोचना, तुम जल्द ही घुटनों के बल आओगी मेरे पास, देख लेना। निकलो यहाँ से फौरन, अभी के अभी। कहाँ से आ जाते हैं? पैसे बचाने के लिए शर्मिंदगी उठाने को तैयार हैं। मैं इससे तिगना वसूल करूंगी तुम लोगों से, वरना मेरा नाम बदल देना, देखते जाओ। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। आप जानती है ना मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांग रही हूँ। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी गलती नहीं है, वो औरत खराब है और तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जाओ जाकर मुंह धो लो। मैं जरा बाहर से आता हूं। ठीक है।
खुशामदीद। शुक्रिया। आइए। आराम से, देखो बस हो गया, थोड़ा सा ही रह गया है, तुम्हारी टांग सही हो जाएगी, ठीक है? तुम तो बिल्कुल भी तंग नहीं करते, क्या बात है? बहुत जल्द तुम दौड़ने लगोगे, बहुत जल्द। आपको घोड़े पसंद है ना? जी हाँ, मुझे बहुत पसंद है। अब मेरा काम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदी। शुक्रिया, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। इसकी टांग ठीक हो गई ना? नहीं, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपसे दोबारा मुलाकात हो गई। अब आपसे मुलाकात हो गई है तो क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? मुश्किल ना हो बस। ठीक है, क्या आप यहाँ आने से पहले इस्तांबुल में रहती थी? हाँ, वहीं पर था मेरा स्कूल। अच्छा, क्या इस्तांबुल अच्छा है? जैसा वो लगता है क्या उतना ही अच्छा है? मुझे शहर से दूर आना पड़ा है, मुझसे गलती हो गई। बहुत खूबसूरत है, जैसे कि हम सबसे सुनते हैं, तस्वीरों से, वीडियो से, यहाँ तक कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, क्या आपने ये टावर देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है। इस्तांबुल बहुत पसंद है मुझे। मैं कह सकती हूँ कि इस्तांबुल देखने की आस में मैं जिंदगी के दुखों से लड़ रही हूँ। जिंदगी के दुख? तुम तो एक बहुत ही मुख्तलिफ बच्ची हो वाकई। सब यही कहते हैं, क्या जानवरों का डॉक्टर बनना मुश्किल है? इतना भी मुश्किल नहीं, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस काम आपकी पसंद का होना चाहिए। मुझे जानवरों से प्यार है, इसलिए आसान लगता है। इसलिए आप कभी थकती नहीं हैं? ऐसा ही है। और थकना आपके लिए मुश्किल नहीं होता? बिल्कुल सही कहा तुमने। और मैं यहाँ रुककर तुमसे और बातें करना चाहती थी। हाँ, मगर मेरे बॉस सख्त इंसान है, मुझे देर हो गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त, ठीक है ना? ये अच्छी खबर है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, जरूर मिलेंगे। और अब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखें। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं भी डॉक्टर बन सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बन सकती, लेकिन इसके लिए काफी पढ़ना और काम करना पड़ेगा। आखिरकार डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता है ना? जी हाँ, अब मुझे कॉलेज तक पढ़ना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होगा, वो भी पास करना होगा। शायद जानवरों का डॉक्टर बनना आम डॉक्टर से ज्यादा मुश्किल है। मेलिसा जी, स्कूल स्कूल चलो चलो। अच्छा तो अब क्या बात हो गई, अब क्या चाहिए इनको? आपको मदद चाहिए हमारी? हाँ, मदद तो चाहिए, मगर इसके पीछे क्या मकसद है? क्या मतलब इसके पीछे क्या हो सकता है माहिनूर? हम मदद करना चाह रहे हैं। मुझे वाकई कुछ भी नहीं मालूम,
मतीन अंकल ने पहले मुझे बुलाया और फिर वो इस तरह भागने लगी। ये भागने लगा? मतीन, चलो उलझाओ मत, मुझे बताओ क्या बात है। स्कूल माहिनूर, स्कूल। क्या स्कूल? स्कूल की बात कर रहा हूँ, मेलिसा का स्कूल। मेरा स्कूल? क्या मेलिसा का स्कूल? बिल्कुल, कल स्कूल खुल रहे हैं, क्या मेलिसा स्कूल नहीं जाएगी? स्कूल जाऊंगी मैं। मतीन, बसीमे का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। आप उसकी फिक्र मत करें। कैसे फिक्र नहीं करूं मैं, फिर किसको फिक्र होनी चाहिए, तुम्हें? और वैसे भी अगर हम उसकी फिक्र ना भी करें तो मुझे यकीन है कि वो औरत कोई ना कोई मंसूबा जरूर बना रही होगी। खैर ठीक है, जो भी, हम नेकी करना चाह रहे थे, अब जो हो सो हो, मगर अब हमें इसको ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहिए। अच्छा, हम इसे स्कूल में दाखिल करवा देंगे, इसमें क्या मसला है? या मेरे अल्लाह, क्या वाकई तुम्हें वाकई लगता है कि दाखिला करवाना इतना आसान होता है? चलो अगर स्कूल में दाखिला हो भी गया तो फिर क्या, मेलिसा हमेशा तो यहां नहीं रहेगी। लेकिन कुछ भी हो जाए माहिनूर, हम इसे तालीम से दूर नहीं रख सकते, वरना ये सब बच्चों से पीछे रह जाएगी। हम दाखिल करवा देते हैं, अगर ये कहीं गई तो आगे वहां पढ़ लेगी। मेलिसा, क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहती? मैं चाहती हूँ, मेरा बहुत दिल चाहता है मतीन अंकल, लेकिन माहिनूर साहिबा भी ठीक कह रही हैं। बिस्मा भी शायद मुझे ले जाए, या फिर कोई नए लोग ले जाए। शायद ये जगह देखने के बाद बिस्मा अम्मी के पास जाने के बजाय मैं यतीम खाने जाना पसंद करूंगी। पता नहीं मेरी उम्र की लड़की को यतीम खाने में कोई खानदान मिल सकेगा भी या नहीं, लेकिन शायद यही मेरी किस्मत है। क्या तुमने थिएटर में सीखा है ये? कौन सा थिएटर माहिनूर? अच्छा ठीक है, हम कल इसे स्कूल ले चलते हैं, ये स्कूल शुरू कर सकती है। इसको स्कूल में पीछे नहीं होना चाहिए, फिर आगे की देखते हैं, अभी यही सही है। मतीन अंकल, क्या ये हकीकत है? हाँ बिल्कुल। बहुत 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 शुक्रिया आपका, मैं आखिरी सांस तक आपकी शुक्रगुजार रहूंगी, चाहे थोड़े दिन के लिए ही सही, मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझे अनगिनत यादें दी हैं, जिन्हें याद करके मैं हमेशा खुश रहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है मेलिसा, तुम मुझे गिरा दोगी, बातें बहुत करनी आती हैं तुम्हें। तुम अब से सबके साथ स्कूल जाकर पढ़ोगी, लेकिन देखते हैं प्रिंसिपल क्या कहती है। आपको ना कौन कह सकता है, और अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं कुछ पूछूं? आपने मुझे सारा जहां दे दिया है, मगर मैं अब भी माहिनूर साहिबा कहती हूँ, क्या मैं आपको आंटी कह सकती हूँ? यानी देखिए, मतीन अंकल और माहिनूर आंटी, मुझे लगता है ऐसे बात करते हुए मैं खुलकर जाहिर नहीं कर पाती। आंटी कहोगी? हाँ ठीक है, फिर तुम मुझे आंटी कह सकती हो। अब खुश हो? अच्छा चलो अब तुम जाओ, तुमने मेरा काफी वक्त जाया कर दिया है, मुझे बहुत सारे काम है, चलो जाओ। चलो चले जाओ। माहिनूर शुक्रिया। अच्छा सुनो माहिनूर, मैंने पता किया है, वो लेडी डॉक्टर वो जरा अजीब सी है, मतलब बेहतर होगा कि तुम थोड़ा फासला रखो, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम मतीन को अपने अंदाज में समझा दो। खुदा को मानिए रेहान, आप जासूस हैं या पुलिस वाली, आखिर ऐसा क्या पता लगा लिया आपने? मैंने उन लोगों से पूछा जो डॉक्टर हारून को अच्छी तरह जानते हैं, वो इस्तांबुल से आई है, इसके अलावा कोई अता पता नहीं है उसका। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ पुरस्कार है? वो लड़की यहाँ काम कर रही है और बस, इसमें क्या पुरस्कार है? आप समझी नहीं माहिनूर, उसको इतने बड़े शहर में काम नहीं मिला तो वो यहाँ आ गई। क्या उस लड़की के कोई रिश्तेदार है यहाँ? नहीं, तो सोचें जरा, वो जवान है और खूबसूरत भी है, और मैं आपको बता रही हूँ वो लड़की सोशल मीडिया पर भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिली मुझे। सोशल मीडिया पे नहीं है? नहीं,
ये हैरत की बात है ना माहिनूर, हमने पूरी रात ढूंढा है, हर एक जगह पर देखा मेरी बेटी ने। नहीं है वो, नहीं थी ना वो। हाँ, और पता है मुझे सबसे ज्यादा हैरत कब हुई? आज के जमाने में उसकी उम्र की लड़की सोशल मीडिया पर क्यों नहीं होगी? अब तो नानी दादी के भी अकाउंट होते हैं। मेरा तो नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि आप थोड़ी अजीब सी हैं। मतलब अच्छे मायनों में आप और लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ है माहिनूर। यानी उसकी उम्र की लड़की का सोशल मीडिया पर अकाउंट का ना होना एक अलग बात है बहुत। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, तुम लिख कर रख लो, इस लड़की की जरूर कोई ना कोई कहानी है। मेरी ये दुआ है कि हमारी पुरसुकून जिंदगी में कोई तूफान ना आए। वो लड़की कहीं और भी जा सकती थी, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें बताना था। रेहन साहिबा, ये किस किस्म की दुआ हुई आखिर? मुझे माफ करना माहिनूर, देखो मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, तो पहला हक हमारा है, हमारे बच्चों ने यहीं पर रहना है। हम कुछ ही लोग तो हैं यहाँ पर, अगर हम लोगों ने बाहर के लोगों को कबूल कर लिया तो फिर खुश आमदीद। हाँ आओ मेलिसा, तुम रेहन साहिबा की बेटी से मिली हो पहले? नहीं मैं नहीं मिली, इन्हें कभी नहीं देखा मैंने। देखा होता तो याद होता, मैं कुछ नहीं भूलती। तो अब मिल लो इससे। मेरा नाम बुशरा है, मिलकर खुशी हुई मुझे। मुझे आपसे पहली बार मिलकर अच्छा लगा। आओ बैठो। तुमने अभी तक इससे जान नहीं छुड़ाई? जब तक कोई मुनासिब खानदान नहीं मिल जाता, मेलिसा हमारे साथ ही रहेगी, बल्कि कल से इसका स्कूल शुरू हो रहा है। रेहन साहिबा, मुबारक हो तुम्हें माहिनूर, माशाल्लाह तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह फंसा लिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये लड़की इस घर में रहेगी, ये कभी नहीं जाएगी। कौन इतना ऐशो आराम छोड़ता है? देखो इसे, मैंने कभी भी इतना तंदुरुस्त यतीम नहीं देखा माहिनूर। ये कैसी यतीम है? आ, शायद ये यतीम है ही नहीं, या शायद किसी गरीब खानदान से है। बस कर दीजिए, तुम कुछ भी कर लो इसके लिए काफी नहीं होगा। ये लड़की रात में उठकर सब कुछ हड़प कर जाएगी। मैं ऐसों को जानती हूँ, ये हमेशा भूखे रहते हैं। आप आखिर कैसे इंसान हैं? कितनी बुरी हैं आप। मेलिसा, मुझे मालूम है कि मैं बदसूरत हूँ, मोटी हूँ और यतीम हूँ, लेकिन आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको एहसास भी नहीं है कि आपके अल्फाज कितने खराब हैं। अगर कोई आपके सामने खड़े होकर आपको मोटी, भद्दी और लगाई बुझाई करने वाला बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? मेलिसा बस बस करो। मैं आपसे नफरत करती हूँ, अपने दिल दिमाग अपने पूरे वजूद से आपसे नफरत करती हूँ। आप बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी हैं। हाय मेलिसा, मेलिसा इधर आओ, मुझे बात करनी है, आकर माफी मांगो इनसे। मेलिसा, देखा ना माहिनूर, इस बोनी का शैतान बाहर आ गया। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं खुद उसे आपके पास लेकर आऊंगी माफी मांगने, आप दरगुजर कर दें। मुझे परवाह नहीं, तुम पता नहीं कैसे खानदान से किसी यतीम को अपने घर ले आई हो जिसे तुम जानती तक नहीं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसको फौरन अपने घर से निकालो, वरना ये तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी, ये याद रखना। जाहिल है बिल्कुल। आपने उसके साथ ज्यादती की है। माफ कीजिएगा, आपको लगता है अम्मी का कसूर है? तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है बुशरा। तुम्हारा ख्याल है माहिनूर, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरा ये मतलब नहीं था। मेलिसा ने आपसे बदतमीजी की और उसको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन आपने उसको उकसाया था रेहन, उसकी इस तरह तजलील करना गलत था। वाह वाह, चलो उठो लड़की, उस बोनी ने तुम्हारी माहिनूर आंटी पे जादू कर दिया है। रेहन, ठीक है माहिनूर, ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैंने सुन लिया जो कुछ मुझे सुनना था, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मायूसी से ज्यादा बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारे लिए, खास करके ये तबाही जो तुमने अपने सर ले ली है। तुम्हारी पड़ोसन होने के नाते मैंने अपना हक पूरा किया है, बस बस तुम मोहतात रहना, जहमत मत करो, हमें पता है दरवाजा कहाँ है। रेहान साहिबा,
मेलिसा, ये क्या कर दिया तुमने? मेलिसा, मुझे डर था कि तुम कूद जाओगी। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जब तुम भाग रही थी तो मैं परेशान हो गया। इस बार तितली नहीं थी ना? नहीं थी। तुम भी भाग कर आए हो यहाँ? बिल्कुल, इस बार कोई मसला लग रहा था। तुम रो रही थी। हाँ बिल्कुल। मैं रुमाल पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ, मेरे पास नहीं है। वो मैं वापस कर दूंगी, फिकर ना करो। इसलिए नहीं कहा, मजाक कर रहा था। तुम उसे रख सकती हो। ये बताओ, यहाँ के मर्द हमेशा अपनी जेब में रुमाल क्यों रखते हैं और रोती हुई लड़कियों को क्यों दे देते हैं? ये कोई रिवायत है क्या? किसी और ने भी तुम्हें रुमाल दिया था? हाँ दिया था। तुम वापस जाओगी या फिर रुकोगी? मुझे घर जाना है। तुम चाहो तो हम सड़क तक साथ चल सकते हैं। किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी थी मेलिसा। तुमने मेरे घर आई एक माँ की उम्र की औरत की, मेरे सामने मेरे मेहमान की इस कदर बेइज्जती की है। अब तुम उनसे माफी मांगोगी? खुदा के लिए मुझे उस औरत से माफी मांगने के लिए मत कहिए। अगर आप चाहें तो आपसे माफी मांग सकती हूँ मैं, या अगर आप सजा दें तो वो भी मंजूर है मुझे, मगर मैं उस औरत से माफी नहीं मांगूंगी। तुम बेशक यहाँ हमारी मेहमान हो, लेकिन मुझे तुम्हारी इस हरकत पे सजा देनी पड़ेगी। हर सजा के लिए तैयार हूँ मैं, मगर उस औरत से माफी नहीं मांगूंगी। तो ठीक है फिर, तुम्हारी मर्जी है। अब तुम अपने कमरे में जाओ। जब तक अपने होश में नहीं आ जाओ और रेहान साहिबा से माफी मांगने को तैयार ना हो जाओ, उस वक्त तक बाहर नहीं आओगी। तो फिर मैं कमरे में ही बूढ़ी हो जाऊंगी। इसकी हरकतें देखो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या इसने वाकई उस औरत को मोटी भद्दी और लगाई बुझाई करने वाली कहा? हाँ कहा। सही कहा मेहतिन? सही तो कहा।
वो सर से पैर तक जिद्दी लड़की है, उसने पानी भी नहीं पिया है अभी तक। कल स्कूल का क्या होगा? जब तक वो रेहान से माफी नहीं मांगती वो कमरे से बाहर नहीं आ सकती। माफी नहीं मांगेगी तो स्कूल भी नहीं जाएगी क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूं? क्या हुआ? देखो मेलिसा, माहिनूर बहुत साबित कदम है, माफी मांग लो और भूल जाओ ये बातें। कभी नहीं, हर बात पर इंकार नहीं करते। और तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ये बुरी बात है ना? कल से स्कूल भी खुल रहे हैं, सिर्फ एक माफी ही की तो बात है, दिल से मांगना जरूरी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, खुद से झूठ नहीं बोल सकती मैं। मुझे उस औरत से माफी मांगने के लिए एक वजह भी नहीं मिल रही है। ठीक है, अच्छी तरह सोच लो, मैं चलता हूं इससे पहले कि माहिनूर मुझे पकड़ ले। जब तुम दोनों जिद करती हो और खाना नहीं खाती तो मुझे दुख होता है। शब बखैर। सुबह बखैर आंटी। सुबह बखैर बेटा। मैं मेलिसा को लेने आई हूँ यहाँ, हम साथ स्कूल जाएंगे, उसने कहा था इजाजत मिली तो साथ चलूंगी। इजाजत ली थी लेकिन वो नहीं आएगी। समझी नहीं मैं, वो बीमार है क्या? अगर जिद बीमारी है तो हाँ। क्या मतलब है बेटा? इन बातों को छोड़ो, स्कूल के लिए देर नहीं करो, ठीक है? अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। डैफने, तुम यहाँ क्या कर रही हो और कैसे आई यहाँ? यहाँ से आई हूँ मैं। खैर ये छोड़ो, माहिनूर आंटी क्या कह रही है मैं समझी नहीं। सजा मिली है मुझे। किस लिए? रेहान साहिबा की बेइज्जती कर दी मैंने। क्या? शुरू उन्होंने किया था तो मैं क्या करती? तो अब तुम स्कूल नहीं जाओगी क्या? मैं जाना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, नहीं जा सकती। वो तुमसे जो भी कहती है कर लो, तुम सजा से बच जाओगी। हरगिज नहीं, मैं कभी भी उस औरत से माफी नहीं मांगूंगी। मैं इतनी खुश थी कि हम साथ स्कूल जाएंगे, लेकिन देखो क्या हो गया। इस बात का मुझे भी दुख है। चलो अब तुम जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। बच्चों भागो नहीं वरना गिर जाओगे।
आराम से जाओ, भागने की क्या जरूरत है? अगर मैं ना हूं तो तुम लोग तो पता नहीं क्या करोगे। कहा ना भागो मत, रोजाना सबसे ज्यादा देर से तुम ही आते हो। कितने शरारती बच्चे हैं, ये बात ही नहीं सुनते मेरी। सुबह बखैर। सुबह बखैर। मेरा नाम यास्मीन है, न्यू टीचर हूँ मैं। हाँ याद आया, प्रिंसिपल साहब ने बताया था आपके बारे में, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा नाम कादिर है और मैं इस स्कूल का नायब सदर हूँ, लेकिन जल्द प्रिंसिपल बन जाऊंगा। मिलकर खुशी हुई। रुके, मैं आपको जानता हूँ। दोबारा ऐसा मजाक नहीं चाहिए मुझे। कैसा मजाक? पहले रंगसाज और अब एक टीचर। आपने सच छुपाया मुझसे। देखें, ये एक संजीदा स्कूल है। क्या कोई स्कूल गैर संजीदा भी होता है? आप जैसे लोगों की वजह से संजीदगी अचानक मुतासिर हो जाती है, बरसों की मेहनत और तरबियत जाया हो जाती है। फिक्र मत करें आप, दीवारों से आपकी तरबियत और मेहनत को कुछ नहीं होगा। देखते हैं, मैं नजर रखूंगा आप पर। सर, सर हम क्लास में कब तक जाएंगे? सुबह बखैर बच्चों। बच्चों सब अपनी अपनी क्लास में जाएं, बहुत हो गया अब। क्या देख रहे हैं? चलो जाओ, चलो तुम भी जाओ। जाओ बेटा जल्दी करो। सुबह बखैर नहीं कहोगे मुझे? सुबह बखैर। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रही हूं। मेलिसा नहीं खा रही तो मुझे भी नहीं खाना। कुछ दिन पहले वो यहां नहीं थी। हाँ नहीं थी, मगर वो हमेशा यहां नहीं रहेगी। चाहे 3 दिन लगे या 3 महीने, ये मैं नहीं जानती हूं, लेकिन वो जाएगी। बेहतर है कि तुम उसकी आदत नहीं डालो। मैं उसे नाश्ते के लिए बुला लूं? नहीं। अभी भी बहुत छोटी हो, तुम सब बूने ही रह जाओगे। नहीं, मैं थोड़ी लंबी हुई हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, हाइट एज के हिसाब से बढ़ती जाती है। वो देखो अनिल गोरका मारा है। क्या मेरे बाल सही है? हाँ सही है। रुको जरा, अब ठीक है। ओ गॉड, आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगा। अरे मैं आराम से ही बोल रही हूँ कि वो कितना अच्छा लग रहा है। उफ़ अल्लाह, ये तो और अच्छा हो गया है, लंबा और खूबसूरत हो गया है ना? हाँ, तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हो अनिल। चलो गाइस, क्लास के अंदर चलते हैं जल्दी।
जी तो प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताएंगे कि आप लोग कौन हैं? आपके सामने फहरिस्त में नाम लिखे हैं मैम। हाँ, नाम तो यहाँ लिखे हैं, लेकिन नाम के अलावा भी जानना है। आपसे शुरू करें? मुझसे? क्या नाम है? नील। तो नील, अपने बारे में कुछ बताना पसंद करेंगी? मेरा नाम नील है, मैं 12 साल की हूँ। मुझे मौसीकी पसंद है, म्यूजिक मेरी पसंदीदा क्लास है। मैं फारिग वक्त में भी मौसीकी ही सुनती हूँ और रक्स करती हूँ। बस इतना ही? मेरा नाम अरकान तुरेली है, मैं 12 साल का हूँ। मैं अंकारा में पैदा हुआ हूँ, मेरे बाबा क्लर्क हैं, मेरे 2 भाई हैं और बस। क्या आप भी इसी क्लास में पढ़ती हैं? अभी नहीं। समझी नहीं मैं। अभी मेरा एडमिशन नहीं हुआ यहाँ। जब एडमिशन हो जाएगा तो मैं इसी क्लास में आऊंगी, अगर यहाँ कोई दूसरी 6 क्लास नहीं है तो। फिर शायद आपको क्लास में एडमिशन के बाद आना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ आने के लिए खतरा मोल लिया है। दरअसल मैं पढ़ाई में पीछे नहीं रहना चाहती। ठीक है, बैठ जाइए। तुम कैसे आ गई? भाग के। ये नई लड़की कौन है? तो फिर बच्चों, हमारी न्यू स्टूडेंट जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, वो अब अपने बारे में हमें कुछ बताएंगी। क्या मैं? मैं ख्वाब देखती हूँ। मुझे वक्त और जगह से फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे कोई जगह अच्छी नहीं लगती तो फिर मैं अपने दिमाग में दूसरी जगहों की सैर के लिए निकल जाती हूँ। ये मेरा पसंदीदा खेल है, मुझे इससे खुशी मिलती है। मैं मुस्तकबिल में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली मुसन्निफा बनकर अपने जैसे तन्हा बच्चों को कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ। अभी तक मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे अपने मुस्तकबिल का नहीं पता कि किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी। हो सकता है मैं हर जगह मेहमान ही बन के रहूंगी, एक मुसाफिर की जिंदगी गुजारूंगी, जैसे कि अभी यहाँ मौजूद हूँ मैं। वैसे मेरा नाम मेलिसा है। खुशामदीद मेलिसा, खुशी है कि आप यहाँ हैं। वैसे ये मेलिसा है या फिर मेलिसा? मेलिसा, 2 इसके साथ। क्या आप जानती हैं मैम, कोई नहीं समझता कि ये 2 अलग चीजें हैं। वो नहीं जानते मेलिसा, और कुछ लोग कभी भी नहीं समझ सकते। क्या हमने उस बच्ची को बचा लिया और अब भूखा रखकर उसे सुधारेंगे? ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? उसके पास सब ठीक करने का रास्ता मौजूद है। अगर वो चाहे तो जाकर रेहान से अपनी बदतमीजी की माफी मांग सकती है। या अल्लाह, वो नहीं समझती मैं क्या करूं, हम जोर नहीं दे सकते। देखें, रेहान खातून ने बदसलूकी की और मेलिसा ने सिर्फ जवाब ही तो दिया है। तुम क्या कहना चाहते हो मैथिन? क्या छोटे बच्चे अपने बड़ों को इस तरह से पलट कर जवाब दें? ये सब ठीक लगता है तुम्हें? जब बात रेहान खातून की हो तो कुछ नहीं कह सकते। बेवकूफी की बातें नहीं करो, उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। अगर इस उम्र में वो बिगड़ गई तो कभी काबू में नहीं आएगी। रख दो वापस। या माहिनूर, मैं लेके जाऊंगी। मेलिसा, दरवाजा खोलो। मेलिसा, देखो मैं नाश्ता बनाकर लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। मेलिसा, बेटा जिद नहीं करते,
रेहान से माफी मांग लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद तुम स्कूल भी जा सकती हो। उससे माफी मांगने का नहीं कहना चाहिए था शायद आपको। तुम तो खामोश रहो मेथिन। मेलिसा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेलिसा, मेलिसा, तुम घर से कैसे भागी? जब हम कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता निकल ही आता है। उन्हें जब पता चलेगा तुम घर में नहीं हो वो गुस्सा करेंगे। जानती हूँ, लेकिन जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। जब सोचती हूँ स्कूल खुल गया है और दूसरे बच्चे नई नई चीजें सीख रहे हैं तो मैं बैठकर इंतजार नहीं कर पाती। देखने क्या करूं, बस ऐसी ही हूं मैं। बिस्मा मम्मी मेरे बारे में सही कहती थी। क्या कहती थी? यही कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत हूं। नहीं, ये गलत है। क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं मुझे, शायद भूख की वजह से। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तुम बेहोश हो जाओगी ऐसे। ये खा लो। अरे नहीं, ये तुम्हारा है। मैंने नाश्ता किया था और मुझे भूख भी नहीं है। चलो खा लो ये जल्दी। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं नहीं खा सकती इसे। लुत्फ़ अंदोज़ हूँ। इससे अच्छा सैंडविच मैंने कभी नहीं खाया। तुम्हारी अम्मी अच्छा खाना बनाती हैं। अम्मी ने नहीं बनाया। फिर किसने बनाया है? जहरा आपा ने। अम्मी की मदद करती हैं। दरअसल पूरे घर का ख्याल वो ही रखती हैं। मैं बता रही हूँ देवने, तुम वाकई एक शहजादी हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कनीज और मुलाजिम भी होंगे। बस एक मुलाजिम है। मेलिसा, गौर कैम, एक दूसरे को जानते हो? तुमने कहा था फिर नहीं मिलेंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि वो क्या मंसूबा बना रही है। जॉन लेनॉन, बिल्कुल दुरुस्त बात कही है उन्होंने। ये दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। तुम इसे कैसे जानती हो? इसने मुझे अपना रुमाल दिया था। मैं समझी नहीं, वो लड़की कौन है? वो लड़की निक है, हमारी क्लास की है मगर थोड़ी मगरूर है। ये मुझसे बड़ी लग रही है। लंबी है, शायद इसलिए। गौर कैम को पसंद करती है, शायद दोनों शादी करेंगे। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है ये। जल्दी बताओ क्या बात है। सर, आज एक अजीब सी बात हुई है। क्या? क्लास में एक नई बच्ची आई है। तो इसमें अजीब बात क्या है? उसका एडमिशन नहीं हुआ। क्या कहा? जी, अभी उसका एडमिशन नहीं हुआ। वो पुराने से कपड़ों में आई थी। उसने कहा मेरा एडमिशन नहीं हुआ लेकिन मैं बैठना चाहती हूँ। और मिस यास्मीन ने उसे क्लास में बैठने दे दिया है ना? जी सर, ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, कौन है वो लड़की, कहाँ रहती है, क्या उसके बारे में कुछ मालूम है तुम्हें?